मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जाँच क्यों नहीं हो पा रही थी? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जाँच अब तक क्यों नहीं हुई, मेरे चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी। 11 तारीख को परसों अजमेर में, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए, हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100-100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए।
इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूँ। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया इस सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉरपोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं, 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा, और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्माननीय माकन साहब और सम्माननीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था, आप सब जानते हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई, सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय, उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40 पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में, उस बात को दिखलाता है अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है, किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर उनका बखान करूँ, ये शोभा नहीं देता, ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसीलिए मैं, आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं, क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं, या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर में, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से, और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। साहब, मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा, बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमज़ोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक इश्यूज़ पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा।
और जो करप्शन हुआ जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हजोड़ कर किया, अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए, हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे, तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद।